भगवान करे कि वो निर्दोष हो। आरोप और प्रत्यारोप ये तो पार्टियों का काम है। हमारे बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो गया है, स्कूलों में डर का माहौल है, मास्टर लोगों को डर रहता है कि कहीं कोई ना कोई आदमी ना आ जाए, हमें हम अगर लापरवाही कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नवदीप शर्मा और आज हम बात करने पहुंच गए हैं उस मुद्दे पर जो बेहद ज्यादा चर्चित है दिल्ली में। दिल्ली में ये मुद्दा है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि लंबे अरसे से कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन जेल में बंद है और अब नई शिक्षा नीति लेकर आए, देश में शिक्षा नीति से मशहूर हुए जो नेता है मनीष सिसोदिया वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने एक अभियान की शुरुआत की है, उसमें उन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों से हस्ताक्षर करवाने शुरू किए हैं और ये हस्ताक्षर कहीं ना कहीं ऊपर सौंपे जाएंगे। तो देखते हैं क्या वास्तव में जनता इसको लेकर सीरियस है, कैसे उनका रिएक्शन आ रहा है और क्या जनता देख रही है। तो क्या मनीष सिसोदिया जो अभी आबकारी नीति को लेकर धरे गए हैं, ईडी के थ्रू उनको गिरफ्तारी की गई है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखते हैं जांच में क्या आता है। अभी ऐसे कैसे बता दे, किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है, बाकी जांच होती है तो बताते हैं क्या है क्या नहीं, कि ये सच है कि झूठ है। अभी हमारे सामने स्कूल है जो मनीष सिसोदिया के थ्रू दिया गया है, एक दिल्ली को उपहार स्वरूप दिया गया है, मंगलम का स्कूल, आप उसके सामने खड़े हैं, कैसा लगता है इस स्कूल को देखकर? स्कूल को देख के तो उन्होंने बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से उन्होंने काफी काम किया। पिछले जब तक आम आदमी की सरकार नहीं थी तो स्कूल ऐसी खंडहर से हो रहते थे, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं रहती थी, लेकिन आज के टाइम में तो सब कुछ व्यवस्था है। जिस तरह से एजुकेशन की फैसिलिटी दी जा रही है या शायद आज तक तो किसी ने नहीं दी। लेकिन मैं तो और ये भी मानता हूँ कि आप सरकार बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा कर रही है, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान करे कि वो निर्दोष हो। नहीं देखिए सर, अगर उन्होंने कुछ अगर किया है तब तो ठीक है, अगर नहीं किया है, अगर भ्रष्टाचार उन्होंने कर रखा है तो सही है, और अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये ठीक नहीं है। जो भ्रष्टाचार में उनको अंदर जेल में डाल रखा है, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और अगर उन्होंने नहीं किया है तो जो भी कानूनी तौर पर प्रक्रिया है उनको रिहा किया जाए। बेटा ऐसा है, आरोप और प्रत्यारोप ये तो पार्टियों का काम है, हम आप आम नागरिक हैं, हमें ये देखना चाहिए कि इस आदमी ने क्या किया हुआ है, ये आदमी अच्छा है या बुरा है, काम करने वाला है कि नहीं करने वाला है। तो ये तो पार्टियों का काम है कि किस बेस पे पकड़े गए हैं, या उन्होंने घोटाला किया है या नहीं किया, सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, उससे हमें कुछ मतलब नहीं, क्योंकि हम तो आम नागरिक हैं। हमारे लिए उसने अच्छा किया है, हमारे बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो गया है, स्कूलों में डर का माहौल है, मास्टर लोगों को डर रहता है कि कहीं कोई ना कोई आदमी ना आ जाए, हमें हम अगर लापरवाही कर रहे हैं। बाकी ये तो आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि हम क्यों पकड़ा, किस लिए पकड़ा, ये तो पार्टी का अपना, पार्टियों का क्या पता, हो सकता है किया हो उन्होंने काम, एक गलत काम किया हो। वैसे उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया ने नहीं किया होगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं, दो बार उनको देख लिया है, उनका अगर जो आदमी करप्ट होता है, भ्रष्टाचारी होता है, तो उसके मुंह से कभी न कभी कोई न कोई शब्द ऐसा निकल जाता है कि जो वो करता है, तो उनके मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकली। अभी यहाँ पर कई काम हुए तो डोर टू डोर देखने के लिए आए, उस काम को गलियों का काम हुआ, गलियों के काम में वो अपने आप आते थे, गली वालों को पूछते थे कि काम ठीक है, तब उसका बिल ओके हो जाता था। तो इस बेस को देखते हुए हम एकदम से निगेटिव भी नहीं जा सकते कि उन्होंने नहीं किया है काम, किया है, हो सकता है कि किया हो, लेकिन हमें उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। बाकी व्यक्तिगत जो बताना है तो व्यक्तिगत, मनीष सिसोदिया बहुत अच्छा आदमी। डोर टू डोर अभियान ये है कि जनता की राय क्या है, उनकी छवि क्या है उनके सामने, तो इसलिए डोर टू डोर अभियान करा रहे हैं। शिक्षा के मामले में तो ठीक है, इस वेल अच्छा काम है, लेकिन आबकारी मामला है, जो भी होगा अगर जिसमें अगर आएगा तो देखे जाएगा उसको। जी अभी आप मंगलम स्कूल के सामने खड़े हैं, जिसे वर्ल्ड क्लास स्कूलों में से भी एक कम से समझा जाता है, और शिक्षा का जब बात आती है तो मनीष सिसोदिया की भी बात आती है, तो क्या लगता है आपको, क्या दिया है आपके एरिया में, यहीं से वो रहे भी हैं? ठीक है, पहले के हिसाब से स्ट्रक्चर जो स्कूल का है अच्छा हुआ है, फैसिलिटीज आई हैं, अब एजुकेशन के हिसाब से कुछ बच्चों पे भी कुछ टीचर पे भी डिपेंड करता कैसे उसको एजुकेट करता। जैसा कि आपने लोगों को सुना कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया ने जो काम किए हैं उनको देखना चाहिए, उनके ऊपर विचार करना चाहिए, उसकी जो खासियत थी उनको कहीं ना कहीं लागू करना चाहिए, और कई लोग तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हुए नजर आते हैं, तो जाहिर है
छवि जो है वो कहीं ना कहीं निखर कर आती है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।